नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम 9 सितंबर के करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड स्टैटिक जी के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लू एनर्जी मोटर्स लॉन्च इंडियाज फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन विच सिटी। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक निर्माण संयंत्र किस शहर में लॉन्च किया? तो वो किया ऑप्शन डी पुणे में, ऑप्शन डी पुणे। भारत का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस का ये फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसे पुणे के चाकन में सेटअप किया गया है, जिसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेट किया। और इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सालाना 10,000 यूनिट लिक्विफाइड नेचुरल गैस ग्रीन ट्रक को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड साइंड एन एग्रीमेंट विद सुजुकी टू सेट अप 2 बायोगैस प्लांट इन डैश। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डैश में 2 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए सुजुकी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये जो 2 बायोगैस प्लांट है ये गुजरात में सेटअप किया जाएगा, ऑप्शन ए गुजरात। वही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है भारत का एपेक्स बॉडी है ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव्स। वही सुजुकी जो है वो जापान का ऑटोमोबाइल जायंट है। तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। और वही इस 2 बायोगैस प्लांट के थ्रू जो काउडंग यानी गोबर होता है उससे ऊर्जा या बिजली का उत्पादन होगा और साथ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का। वही बात करें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में, तो इसे फाउंड किया गया था 1965 को बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। वहीं इसका हेडक्वार्टर है गुजरात का आनंद में। और वहीं जो इसके करंट चेयरमैन है उनका नाम है मिनेश शाह, जो कि 2021 में ही नियुक्त हुए हैं। When was the National Nutrition Week 2022 observed across India? पूरे भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो मनाया गया ऑप्शन बी 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है वो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है, ताकि आम जनता के बीच में जागरूकता लाया जा सके सही खान पान के बारे में, खाने के सही तरीके और साथ में पौष्टिक खाने से कैसे आप अपनी जीवन को सुधार सकते हैं। वहीं जो इस वर्ष का जो थीम था वो सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स था, सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। और वहीं इसे पहली बार 1982 को मनाया गया था। और वहीं कुछ 1 से 10 सितंबर के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डेज है उसको भी देख लेते हैं, जिसमें पहला तो हमने बात किया नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो पड़ता है 1 से 7 सितंबर के बीच में। वहीं 2 सितंबर को आता है वर्ल्ड कोकोनट डे। 3 सितंबर को आता है स्काई स्क्रेपर्स डे। वहीं 5 सितंबर को पड़ता है टीचर्स डे, क्योंकि उस दिन है बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का, जो कि भारत के दूसरे प्रेसिडेंट और पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। वहीं 5 सितंबर को एक और डे है, वह है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। उसके बाद 7 सितंबर को आता है ब्राजीलियन इंडिपेंडेंस डे। और वहीं 8 सितंबर को 2 डे पड़ता है, पहला तो वर्ल्ड लिटरेसी डे और वहीं दूसरा है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। और वहीं कल है 10 सितंबर और कल है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। और हाल में ही एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले ही, जिसमें बताया गया था कि भारत में 1,64,000 लोग 2021 में सुसाइड किए, जो कि अभी तक का कैलेंडर ईयर का सबसे ज्यादा है। तो इसमें सोसाइटी और सरकार को भी सोचने का जरूरत है कि ये जो सुसाइड्स हो रहे हैं उसका समाधान कैसे निकाला जाए। द शुमंग लीला फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? शुमंग लीला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन ए मणिपुर से, ऑप्शन ए मणिपुर। और ये इस फेस्टिवल का 15th एडिशन था, जो हुआ था इम्फाल के इबोयामा शुमंग लीला शैंगलिन में। और इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन और सीएम बीरेन सिंह जी ने। वही जो शुमंग लीला है ये मणिपुर का ट्रेडिशनल फोक थिएटर है, जिसमें जो मेल कलाकार होते हैं वो फीमेल का गेटअप करते हैं और वो रोल प्ले करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो महिला कलाकार होती है वो मेल कैरेक्टर का रोल प्ले करती है। और वहीं ये थिएटर जो है ये शुरू किया गया था एज कॉमेडी जॉनर
जिसे राजा महाराजाओं के सामने पेश किया जाता था। वहीं बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में कुल 16 डिस्ट्रिक्ट है। वहीं सीएम और गवर्नर के बारे में हमने ऊपर में चर्चा की थी कि सीएम बीरेन सिंह है और गवर्नर ला गणेशन है। वहीं जो यहाँ का स्टेट एनिमल है वो है शंघाई, और वहीं जो स्टेट बर्ड है वो है मिसेस ह्यूम पेजेंट। और यहाँ पे जो नेशनल पार्क है उसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। विच इंडियन क्रिकेटर वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ AS4 एक्सेसरीज ब्रांड अपर केस? किस भारतीय क्रिकेटर को AS4 एक्सेसरीज ब्रांड अपर केस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह। AS4 जो है वो एक ट्रैवल एक्सेसरीज कंपनी है जो हैंडबैग, ट्रैवल बैग और लगेजेस बनाते हैं, और इन्होंने नियुक्त किया है जसप्रीत बुमराह को अपने इको फ्रेंडली लगेज ब्रांड के लिए जिसका नाम है अपर केस। और ये जो ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे वो 2 सालों के लिए रहेंगे। विच ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च बाय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस? जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा कौन सा ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन डी जेके ई कॉप, यानी कि जम्मू कश्मीर ई कॉप। और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इससे जम्मू कश्मीर के जितने भी आम नागरिक हैं वो कई सुविधा इस ऐप के थ्रू उठा सकते हैं, जैसे कि कंप्लेन रजिस्टर करना या अपना FIR का कॉपी डाउनलोड करना। इसके साथ साथ ये अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट और साथ में एम्प्लॉय वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं इस ऐप के थ्रू। वहीं इसके अलावा अगर कोई मिसिंग हो जाता है या कोई डेड बॉडी मिलता है पुलिस को और वो अनआइडेंटिफाइड रहता है तो उसकी भी जानकारी इस ऐप में डाल दी जाएगी। वहीं जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है मनोज सिन्हा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हुए हैं ऑप्शन डी कल्याण चौबे। तो कल्याण चौबे जी ने इस सिलेक्शन में जो हुआ था उसमें बैचुंग भुटिया को हरा के बने पहले AIFF के प्रेसिडेंट, और इनको 34 वोट में से 33 वोट मिला, यानी कि एक वोट बैचुंग भुटिया को मिला। और वहीं ये फॉर्मर गोलकीपर थे मोहन बगान और ईस्ट बंगाल क्लब के। और जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है ये फॉर्म हुआ था 23 जून 1937 को। और वहीं जो फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे जो बैन लगाया था तो अब उस बैन को फीफा ने हटा दिया है। विच कंट्री हैज ओवरटेकन द यूनाइटेड किंगडम टू बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो वो बना है भारत, ऑप्शन सी इंडिया। तो ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के हिसाब से भारत जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है यूके को पीछे छोड़ के। और ये जो कैलकुलेशन किया था ब्लूमबर्ग ने वो किया था डॉलर एक्सचेंज रेट के थ्रू, जहां पे इंडियन इकोनॉमी का जो साइज था मार्च के एंड तक वो था $854 बिलियन और वहीं यूके का था $816 बिलियन। और वहीं सूची में जो पहले 4 देश है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान और जर्मनी। व्हाइट टाइगर नेम किशन पास्ड अवे ड्यू टू कैंसर एट मैत्री बाग जू इन डैश? किशन नाम के सफेद बाघ का डैश में मैत्री बाग चिड़ियाघर में कैंसर के कारण निधन हो गया, तो किस राज्य में हुआ? तो वो राज्य है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। ये 9 वर्षीय मेल व्हाइट टाइगर जिसका नाम है किशन वो कैंसर से मर गया, और ये मरा मैत्री बाग जू में जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। और वहीं जू को मेंटेन करता है भिलाई स्टील प्लांट। द ड्यूरेंड लाइन इज बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? दुरंद रेखा निम्नलिखित में से किस देश के बीच की सीमा है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप हमें इसका सही आंसर नीचे कमेंट करें। और वहीं हमारा इस डेली करंट अफेयर लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके उसे डाउनलोड करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।